वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव आज 4 जून है और आज फैसले का दिन है। सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, इसका फैसला आज दोपहर 3 बजे तक लगभग हो जाएगा। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी अजय मंडल और इंडिया अलायंस से समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस से अजीत शर्मा है। इन दोनों के बीच करारी टक्कर है और भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज मतों की गिनती होनी है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती होगी तो वहीं 9 बजे से ईवीएम खुल जाएगा और 9:30 बजे से रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल की तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए आज भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर खड़े हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो मतगणना कर्मी हैं वो अब धीरे धीरे करके काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ की गई है ताकि किसी भी चूक के निष्पक्ष जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर काउंटिंग को पूरा कर लिया जाए। लोगों को इंतज़ार है, कई दिनों से इंतज़ार था। 26 अप्रैल को भागलपुर में दूसरे चरण में मतदान पूरा हुआ और उसके बाद से लोग जो है टकटकी लगाए, आस लगाए बैठे थे आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और कल रात से जो है, जो दोनों प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, उनकी भी धड़कनें जो हैं वो पूरी तरह से तेज हो गई है और सभी यह इंतज़ार में हैं कि कब मतों की पेटी जो है वो खुलेगी और जो गिनती के बाद, रुझान आने के बाद किसके मत में किसकी तरफ फैसला आएगा, किसकी तरफ ये झुकान होगा, इसका लोगों को इंतजार है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर विधानसभा, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो अगर हम बात करें तो पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर और गंगा के पार जाएं तो गोपालपुर और बिहपुर का जो विधानसभा है वो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और इस 6 विधानसभा में मतगणना के लिए हर विधानसभा में 14-14 टेबल जो है वो बनाए गए हैं। तस्वीर देखिए, हम आपको मतगणना कक्ष के बाहर से फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद हम लोग अंदर प्रवेश करने के बाद हम लोग आपको अंदर से ताज़ा तरीन खबरें और रुझानें जब आना शुरू हो जाएंगी तो रुझान से भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे लगातार। लेकिन अभी की तस्वीर देखिए, जो अधिकारी हैं वो लगातार काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी जो है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी वो भी मतगणना कक्ष के अंदर गए थे। अभी ऑब्जर्वर, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो भी अभी अंदर जा रहे हैं और अब जो काउंटिंग शुरू होगा 8 बजे के बाद से, जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद जो है सभी लोग जो है, सभी का आना, अंदर आना जो है, प्रवेश पूरी तरह से जो है वो बंद हो जाएगा। सभी विधानसभा, 6 विधानसभा में 14-14 जो हैं वो बेंच बनाए गए हैं मतगणना के लिए। और अगर हम आपको कहना चाहें तो लगभग 26 राउंड तक जो है वो गिनती हो सकती है। और बात करें अगर 26 राउंड तक जाने की उम्मीद है तो जब तक 15 राउंड की गिनती जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। और अगर 15 राउंड होने के बाद भी आंकड़ों में अगर ज़्यादा फर्क नहीं होता है तो हमें कहूँ बस और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज फैसले का दिन है। अजय रहेंगे या अजीत विजय होंगे या देखना अब शेष है, क्योंकि भागलपुर में तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में ही टक्कर है। इसलिए भी भागलपुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 3 दशक से कांग्रेस जो है वो भागलपुर का किला जो है वो फतेह नहीं कर पाई थी। और 2009 में एक बार मौका भी मिला था, कहलगांव से जो विधायक सदानंद सिंह है उन्होंने कांग्रेस की तरफ से हाथ आजमाया था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 की बात करें तो 2019 में जदयू से अजय मंडल जो है उन्होंने भारी बढ़त के साथ जो है वो जीत हासिल की थी। लगभग 2,77,000 वोट से उन्हें जीत मिली थी और उन्होंने राजद के प्रत्याशी बुलो मंडल को करारी हार दी थी। और इस बार कहें तो बुलो मंडल जो है वो जदयू में शामिल हो गए हैं और इस बार उनके सामने जो है वो भागलपुर से कांग्रेस विधायक जो है अजीत शर्मा वो चुनावी मैदान में थे, वो इस बार कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस जो है भागलपुर में जब 1989 में दंगा हुआ था उसके बाद से कांग्रेस जो है भागलपुर में आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि एक बार ही मौका मिला है उन्हें लेकिन जीत नहीं मिला था। तो अगर ये टक्कर भी एक तरह से काफ़ी जो है रोचक टक्कर रहने वाली है, काफ़ी रोचक ये मुकाबला रहेगा जिस तरह से भागलपुर का
बिहार का पूर्णिया सीट की बात करें, जिस तरह से पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, पप्पू यादव बीमा भारती संतोष कुशवाहा के बीच जो है वो टक्कर वहां पर देखी जा रही है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बढ़त ना बना लें, क्योंकि एक तरह से सिंपैथी भी है लोगों की पप्पू यादव के साथ है। तो वहीं भागलपुर सीट की बात करें तो लगातार लोगों का यह कहना है कि यहां भी करारी टक्कर है, क्योंकि MY समीकरण जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी की ओर जाता दिख रहा है, लेकिन भागलपुर जो है वो गंगौता का बेल्ट रहा है। इस वजह से भी अजय मंडल ने पिछली बार भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की थी, और इस बार एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि भागलपुर सीट पर भी लोगों को करारी टक्कर देखने को मिलेगा। हालांकि मोदी लहर जरूर है, लेकिन मोदी लहर के बीच क्या इस बार मोदी लहर क्या बिहार में काम आता है या देखना शेष होगा। पार्टियां तो लगातार दावे कर रही है, अगर आपने राहुल गांधी को सुना होगा तो उन्होंने भी 295 का आंकड़ा बताया था, अगर आपने तेजस्वी यादव को सुना होगा तो तेजस्वी यादव ने भी 300 पार कर सरकार बनाने की बात कही थी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम भाजपा NDA की बात करें तो लगातार NDA जो है वो 400 पार का नारा लगाती नजर आ रही है, लेकिन आज फैसले का दिन है, आज यह तय होगा कि किसकी कितनी सीटें आती है, कौन कहाँ से विजयी होता है। जितना लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट है, वो स्थिति मैं कह रहा हूं कि मतगणना से पहले जो लोग सोच रहे हैं, मतगणना के बाद जरूर उस स्थिति में, उस रिजल्ट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 9 बजे से EVM खुल जाएगा, और 9:30 बजे से आपको रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। कहे तो पूरी तरह से स्थिति लगभग 3 बजे दोपहर के बाद स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। भागलपुर में अजीत वर्सेस अजय में ही करारी टक्कर है। लगातार सीधी अपडेट के लिए आप देखते रहें TV9 भागलपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।